नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर, एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम अपना 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं इस समय पर, और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.2, ठीक है ना। और रोजाना आपको 10 बजे वीडियो मिलता है 10वीं क्लास का जो है, और जो इंग्लिश का आता है वो 12 बजे वीडियो आता है, और 10वीं क्लास की जो साइंस होती है उसका वीडियो जो आता है आपको मिलता है रोजाना 3 बजे। तो देखिए, हमने आपको 3.2 का पहला सवाल करा दिया था, और उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था 3.2 का बेस्ड वीडियो करा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पूरी एक्सरसाइज इस चीज़ पर आधारित है, ठीक है। जो भी बच्चे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत के तुरंत पता चलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं, अगर उनकी कोई वीडियो छूट गई है तो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का सारा सिलेबस देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम दूसरा सवाल करने वाले हैं, और इससे स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को और अच्छे से देख लें, आपकी पूरी 3.2 एकदम क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। देखिए, सवाल में पहले पढ़ देता हूँ अनुपात, ठीक है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपात हैं। देखिए, मैं सवाल अभी आपको बताता हूं, पहले मैं सवाल एक बार लिख देता हूं। देखिए, ये क्या है, जो 3.2 का दूसरे सवाल का पहला लिख रहा हूं, ठीक है। मैं दूसरे का पहला मैं लिख देता हूं पहले, फिर मैं आपको सवाल समझाता हूं। तो देखिए, ये समीकरण दी हुई है, ठीक है। अब क्या बताना, उन्होंने कहा है A1 इसे कहते हैं, इसे B1, इसे C1, इसे A2, B2 और C2, ठीक है, इसको ये बोला है। तो उन्होंने कहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताइए ये जो रेखाएं हैं, ये जो समीकरण हैं, वो समपाती हैं, समांतर है या प्रतिच्छेदी है, ठीक है ना। तो ये बताना है, तो हम इसकी तुलना कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया था, A1 लिख लीजिए, A2 लिख लीजिए, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, देखिए A1 कितना है हमारा 5, A2 कितना है 7, और इसे कहेंगे B1 कितना है 4, वो भी माइनस का, और Y1 कितना है 6, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे ये आ गया आपका C1 8, और ये आ गया माइनस का 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए A1 A2 बराबर B1 B2, पहले इसका मान रख लीजिए, तो यह कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया माइनस 4 B1, और B2 कितना आ गया आपका 6। देखिए, ये कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहे, तो हम इसको कैसे मार देंगे इस प्रकार का चिन्ह, ये बराबर नहीं है। अब हम इसको दोबारा से लिख लेंगे A1/A2, B1/B2, ठीक है, बराबर नहीं है। अब देखिए, इस तरह की समीकरण कहाँ बननी है, ये बननी है, तो इसको कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, जो ठीक है या ठीक है, यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से समीकरण को देखते हैं अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसको भी हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, देखेंगे तुलना करके, तो हमने की तुलना कर लेते हैं। देखिए, तुलना कैसे करेंगे, वही लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारी लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया, ये आ गया 9, ये आ गया 18, ये 3, और ये वाला 6, और 12 एंड 24 लिख लिया। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे हम लोग, देखिए पहले इन दोनों को लिख लेंगे, A1 A2 B1 B2 लिख लिया, इनके मान लिख लेंगे 9/18 और 3/6 ये लिख लिया। इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2, और ये अभी आ गया 1/2। देखिए दोनों बराबर आ गए हैं, तो क्या करेंगे हम सी भी लिख लेंगे, फिर C1 C2, सी का मान 12 और इसका मान 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, देखिए ये भी क्या आ गया 1/2। देखो तीनों बराबर हैं, तो इसको लिख लेंगे हम लोग ऐसे करके, इनका मान जहाँ पे हमने रखे थे, ठीक
ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है, ये बन रही है, तो इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, ठीक है ना। अगर इनमें पूछेगा संगत संगत में, तो संगत बोल देंगे, ठीक है ना। तरीका एक ही है, तरीका एक ही है, बस जिस तरीके से पूछ रहा है उस तरीके से करना है हमें, तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल एक और देख लेते हैं, सवाल नंबर तीसरा, जिस सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या है, 6x-3y+10=0, 2x-y+9=0, ठीक है। ये मिटा लेता हूँ मैं, तो ये आपका आ गया, ठीक है। देखिए ये सवाल हो गया आपका a1 6 और ये हो गया 2, तो ये आ गया आपका -3 और ये -1, ठीक है। ये आ गया 10 और ये आ गया -9 दे रखा है, तो ये आ गया आपका 9+, ठीक है। अब यहाँ पे मान धर देंगे 6/2 -3 -1। अब इसको पहले काटेंगे, 2 3 6 और 2 1 2, इसको काटा, देखिए दोनों बराबर आ गए, तो क्या करेंगे, सी का भी मान धर लीजिए 10/9। अब देखिए क्या होगा, 3/1 3/1 और ये 10/9, देखिए ये वाला बराबर नहीं है, तो इसको ऐसा कट मार दिया, ये तो बराबर है। अब कंडीशन देखिए कौन सी, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं, इसको लिख लीजिए c1/, तो देखिए ये कंडीशन कहाँ बननी है, ये रही, तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला सवाल, पहला कह रहा हूँ, दूसरा तो इससे अगले वाली वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 3। और आपको वीडियो कैसा लगा आगे शेयर भी कीजिए। थोड़ा एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, थोड़ा मैं आपको बोलना भूल गया, देखिए यहाँ पे क्या था, इंटरैक्ट एट ए पॉइंट होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, पैरल होता है आपकी समपाती रेखाएं, और यो एक कॉन्सिजेंट, ठीक है ना, कॉन्सिजेंट होती है आपकी समपाती रेखाएं, ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये उनके लिए, ठीक है, पैरल हो गया समांतर और ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आगे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।